तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, अदूसर हेतु तात कछु नाही। पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। नतर बांझ भली बादी बियानी, और राम विमुख सुतते हित जानी। हे लक्ष्मण, आज तुम्हारा भाग्य खुल गया और आज मैं पुत्रवती बन गई। तो माँ, पहले आप पुत्रवती बोले, पहले तो नाम की पुत्रवती, असली पुत्रवती तो मैं आज बनी कि मेरा लक्ष्मण भगवान के चरणों का अनुरागी बन गया, ये है माँ। बोले, हे लक्ष्मण, कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, फिर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो आज मैं पुत्रवती बनू। यहां ठीक यही बात ऋषभ देव भगवान कहते हैं। भरत जी 14 वर्ष व्यतीत करके भगवान श्री राम बन से आए और देखा तो माँ कैकेयी अपसेट है। आज भरत जी के पास भगवान श्री राम गए, भैया मैं आपसे मांगने आया हूं। अरे, आप राजा और मेरे से मांगने? बोले, हाँ भरत। भरत जी ने कहा, भैया सब कुछ मांग लेना, पर कैकेयी को माँ नहीं कहूंगा, ये बात का ध्यान रखना। बोले, पगले, यही तो मांगने आया था। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, सुतबित तजी कंत ब्रज बनितनी, सुतबित तजी कंत ब्रज बनितनी, भयो मुद मंगल कारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके कोटि वैरी समझपि परम स्नेही, कजियो ताई तो पुत्रों को उपदेश किया और भगवान ऋषभ देव दिगंबर होके पृथ्वी पे भ्रमण करने लगे। तरह तरह के इनके ऊपर अत्याचार हुए, कोई कीचड़ फेंकता, कोई पत्थर फेंकता, पर किसी का उत्तर नहीं देते। दक्षिण भारत की यात्रा की कंक वेंक और कुटक नाम के राजा ने, अब देखिए ये समाज कैसे है, पहले तो अत्याचार किया, पर ये जब शांत रहे तो विनी की पूजा करने लगा। कंक वेंक और कुटक नाम के राजा ने इनके आचरण को स्वीकार किया। जिन्होंने वस्त्र रहित तो इन्हें देखा वो दिगंबर जैन हो गए। एक दिन भरत जी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे और उसी समय एक हिरणी जो अभी अभी प्रसव की वेदना से पीड़ित थी जल पीने के लिए आई और पीछे से सिंह की दहाड़ आई। दहाड़ को सुना, स्वभाव से ही डरपोक हिरणी ने छलांग लगाया और बीच गंडक नदी में कूद गई। प्रसव की वेदना थी, वो मृग शावक तो गर्भ से बाहर आ गया, पर हिरणी का राम नाम सत्य हो गया। भरत जी ने उस मृग शावक को देखा तो गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा के उसके अपने दुपट्टे से उसके मल मूत्र को साफ किया, आश्रम में ले आए। जिसकी भगवान रक्षा करे उसे कौन मार सकता है। धीरे 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 वो मृग तृण पत्तादि को खा के बड़ा होने लगा।
भरत जी एक हाथ में तो माला रखते पर एक हाथ तो मृग शावक के ऊपर रखते कि कहीं भाग न जाए। धीरे धीरे मृग बड़ा होने लगा, जब ये हवन करते तो पीछे से आके अपने सींग से ऐसे पीठ में खुजली करता, और जब भरत जी ऐसे हाथ करते तो डर के बैठ जाता। अब कुटिया घास की थी, ऐसे छोटे छोटे छेद कर लिया। अब एक तो हाथ माला में है और दूसरा ध्यान है कि मृग कहीं बाहर तो नहीं चला गया, वो चर के फिर आ जाता। भरत जी का जो ध्यान था, नियम था, तप था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। सम्राट लक्ष्मी को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, प्रजा को छोड़ दिया, पर एक मृग के मोह में फंस गए। एक दिन मृगों का झुंड आया और वो मृग शावक झुंडों के साथ चला गया। भरत जी का चौथा पंथा, हाँ मैं बड़ा पापी हूं, मेरे मृग की रक्षा नहीं कर पाया, मृग को कहां गया होगा, कोई हिंसक जानवर उसका बाल भोग कर गया। वो मृग का चिंतन करते करते शरीर छूट गया, भरत जी को मृग योनि में आना पड़ा। ध्यान गया, ओह मैंने तो बड़ा अनर्थ कर डाला, पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, भगवत कृपा ये रही कि उसी गंडक नदी के किनारे पुल आश्रम में जन्म मिला। अब भरत जी का मन मृग के झुंडों में नहीं लगता, एकांत में बैठ जाते और भगवत चिंतन करते रहते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण का जप करते। समय आया, ये मृग शरीर को छोड़ दिया और एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म लिया। आज भरत जी का नामकरण किया गया। संयोग की बात ये है कि यहां भी इनका नाम भरत ही पड़ा। पिताजी ने
यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गायत्री मंत्र का उपदेश किया, पर अब भरत जी को वेद पाठन के लिए गुरुकुल में भेजना चाहते थे, पर ये तो अनजान बन जाते, कोई बात बोलते तो मुंह से ये जवाब ही नहीं दे हैं, सिर्फ सिर हिला देते, गूंगे की तरह, पगले की तरह व्यवहार करने लगे और इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। भरत जी ने कहा बहुत ज्ञानी बन के देख लिया, अब तो ज्ञान कुछ काम में आएगा नहीं, जरा महापुरुषों की जीवनी तो सुनो, नानक जी की कथा और संतों की कथा आप सुनिए। नानक जी की जीवनी, बचपन में इन्हें विद्यालय भेजा गया, इनके पिताजी का नाम कालू राम था, अभी वो जगह पंजाब में आ गई, कालू राम जी वहां के जमींदार थे। नानक जी विद्यालय में गए, उर्दू के अल्फाज चलते हैं, तो मौलवी जी ने कहा कि कहो आफार अल्लाह, नानक जी खड़े हो गए, आफार अल्लाह, बोले बी फार बेगम, तो नानक जी बोले ए मौलवी जी सही सही पढ़ाओ। अरे आज ही विद्यालय में आया ये बालक और मौलवी जी को कहता ठीक ठीक से पढ़ाओ, क्या बात है? बोले ये बताओ कि अल्लाह बड़ा है कि बेगम बड़ी है? मौलवी जी ने कहा भाई दुनिया जानती है कि अल्लाह बड़ा है, तो जब अल्लाह को पढ़ लिया तो अब बेगम को क्यों पढ़ा रहे हो? मौलवी जी शाम को आए घर और कालू राम जी को कहा भैया कल से अपने बच्चे को विद्यालय मत भेजना, ये और बच्चों को भी यही पढ़ाएगा। तो बोले अब क्या करें? कालू राम जी ने कहा जा कल से खेत की रखवाली कर, तो जितने आवारा मवेशी थे सब को खेत में ला के डाल देते, अब बोले चिड़ियों को राम द चिड़िया राम द खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। ये संतों की जीवनी है, बोले बहुत ज्ञानी बन के देख लिया, भरत जी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, माता पिता किसके कितने दिन तक रहते, समय आया माता पिता नहीं रहे, अब तो भाइयों का शासन आया, भरत जी सबसे तंदुरुस्त सबसे सुंदर सबसे मोटे, भाभियों को ईर्ष्या होने लगी, अरे ये मोटे को यहाँ घर पे छोड़ के जाते हो, खाता है कुछ काम करता नहीं, ये तो एकांत में बैठ के भगवत भजन करते, पूर्व जन्म का ध्यान करते, भैया खेत में चला जाया कर, भाभियों को कष्ट होता है। भरत जी खेत में गए, अब कहा कि ये बारिश होगी तो इसको मेड़ बांधना बोलते हैं, तो ये तो और ज्यादा उसमें खड्ढे कर दिए। एक दिन भरत जी खेत पे बैठे हुए थे, उसी समय एक डाकुओं का सरदार जिसको कोई पुत्र नहीं था, किसी तांत्रिक ने कहा कि बलि दे दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। अब जिसकी बलि चढ़ाना था उसको एक उंगली कटी थी, बोले अब इस मुहूर्त टला जा रहा है, किसको पकड़े? खेत में भरत जी बैठे थे, इन्हीं को पकड़ के ले गए। भरत जी को नहलाया धुलाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और भोजन सुंदर करवाया, बोले चलो भद्रकाली माँ के यहाँ कीर्तन हो रहे हैं भजन हो रहे हैं, सिर झुकाओ। सिर झुकाया, जैसे डाकुओं ने इनके ऊपर तलवार चलाना शुरू की, भद्रकाली माँ मूर्ति से प्रकट होकर के डाकुओं के हाथ को पकड़ लिया, तलवार छीन लिया और सारे डाकुओं के मस्तक को काट दिया, जैसे कोई फुटबॉल खेलता ऐसे खेलने लगी, भरत जी को उठा लिया। तेरी महिमा नहीं जानी माँ अम्बे रानी, तेरी महिमा नहीं जानी माँ अम्बे रानी, भरत जी फिर खेत में आ गए और भाभियों को न्यूज मिल गई कि आज तो भरत जी हीरे जवाहरात से लदे हुए हैं, अब ये डाकुओं ने पहनाया था बलि देना था, अरे तो जाओ भाई को बुला के ले आओ। भरत जी को बुलाने के गए, अरे भाई भरत घर में छोटी मोटी बात हो जाए तो घर छोड़ा जाता है क्या?
भाभी कितनी परेशान है। भरत जी को तो कोई सोना चांदी से क्या मोह, चल दिए। अब जैसे घर को आए, लाला जी थारी के इच्छा है, ठंडी को सीजन है, बादाम को हलवा बनाओ कि। भरत जी को तो साफ साफ, भरत जी को कोई इच्छा नहीं प्रसाद बना पाए। लाला थे एक बात सुने हो कोई, ये थारी लाटरी कहां से लग गई। लाला ये डाकू आज चारों तरफ घूम रहे, थारा ये जाए तो हमें कोई चिंता नहीं, पर थारे प्राण तो बचने चाहिए। भरत जी ने उतार उतार के सब रख दिया, ये ले लो। लाला जी थारी इच्छा हो तो घर रहो, थारी इच्छा हो तो खेत चले जाओ। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, असुर नर मुनि संतन की रीति। भरत जी फिर खेत में आके बैठ गए। उसी समय सिंधु सोवीर नरेश राजा रहुगण भगवान कपिल से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, पर पालकी से जा रहा था। राजा रहुगण का संवाद हुआ, बड़ा दिव्य प्रसंग है भरत चरित। पालकी का एक कहार बीमार पड़ा, बोले किसी को पालकी में लगा लो। भरत जी ही वहीं बैठे थे, लगा लिया। अब ये तो रास्ते पे कोई कीड़ी मिलती है तो छलांग मार जाते हैं, मैं राजा रहुगण ही, तुम्हें पता नहीं है। कुछ नहीं बोला, चल गए। फिर आगे कहारों ने कहा, महाराज इसको ढोना नहीं आता, ये जो नया कहार आया ना, ये पालकी का बैलेंस बिगाड़ता है, आपके सिर से टकराती, महाराज माफ करो। राजा रहुगण पालकी से उतर गया, तलवार निकाल लिया, मैं राजा हूं, दंड देना मुझे आता है। तुम मेरी बात की अब हेलना कर रहे हो मोटे, लगता है तुम सबसे दुबले पतले हो, लगता है तुम जीते जी मर गए हो, लगता है तुम बहुत ऐसा बुरा प्रसंग भला बुरा कहा। भरत जी आज अपने मौन को तोड़ दिया है, बोले राजन आपने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर दूरी नाम की कोई चीज है तो वो चलने वाले के लिए है, भार नाम की कोई चीज है राजन तो वो ढोने वाले के लिए है, और क्या बताऊं राजन, आपने जो ये शरीर को दुबला कहा ये भी आपने ठीक ही कहा, राजन जो मरा हुआ कहा ये भी ठीक कहा, ये शरीर है आज आप इसे मोटा ताजा देखते हो, कल कोई बीमारी लग जाए तो यही, ये तो बदलने वाली बात है राजन। दूर नाम की चीज ये जो आपने कहा कि मैं पालकी का बोझ, राजन ये पालकी का बोझ जो मैं है वो नहीं ढो रहा, ये तो शरीर पर इसका बोझ है, यहां तत्व ज्ञान की बात की है। बहुत सुंदर बात कही, तब राजा रहुगण के अंतः चक्षु खुल गए। कष्ट निगूढ़ चर्चिस्तु जाना, कौन हो आप, और चरणों में गिर पड़ा, लगता है भगवान कपिल आप यहीं मेरे लिए प्रकट हो गए, अब फिर तो दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया। यहां खगोल भूगोल का वर्णन, बोले रहुगणई रहुगणई तत्तपसा नयाति, न चेज्या निर्वपना गृहीत्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै, बिना महत्पाद रजो विषेकम्। हे राजन ये ज्ञान अग्नि तापने से नहीं मिलता, तप करने से नहीं मिलता, रहुगणई तत्तपसा नयाति न चेज्या, न ब्रह्मचर्य करने से मिलता, ये तो केवल महापाद रजो विषेकम्, महापुरुषों के चरण की रज से ही जीव पवित्र होता है।